السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Welcome to Arabic into English class. Today we are going to learn how to translate positive sentences into the question sentences. So as our habit, let's learn the some words and meaning. Here I wrote some words. First, let's learn the words and meaning. What is the meaning in English and what is the meaning in Urdu? Then we will translate and after that we will discuss about the grammar. Maktab, office. In Urdu also, office. Makatib, offices, office. Another word, Rajul, man, Aadmi. Rijal, men, Aadmiya. Akh, brother, bhai. Ikhwa, brothers, bhaiya. Masna, factory, factory. Masani, factories, factoria. Amil, worker, काम करने वाला. उम्माल, वर्कर्स, काम करने वाले. शरीका, कंपनी, कंपनी. शरीकात, कंपनीज, कंपनियां. सदीख, फ्रेंड, दोस्त. अस्दिका, फ्रेंड्स, दोस्ता. बैत, घर, हाउस. बुयूत, हाउसेस, घरा. सो वी हैव लर्न व्हाट इज द सिंगुलर एंड व्हाट इज द प्लूरल. यहां तक हम सबसे पहले अल्फाज और मानों को जानने की कोशिश करें. अब इसके बाद अरबी में एक पॉजिटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस में हम कैसे बनाते हैं. हियर आई एम राइटिंग वन सेंटेंस. अना फिल मक्तबी. इन अरबिक लैंग्वेज very easy methods are there. We can make the positive sentence into the question sentence. Very easy method is there. अरबी से अरबी में positive sentence, एक जुमले को सवालिया जुमला बनाने के लिए अरबी में बहुत आसान है. वो ये है कि हम इससे पहले दो हरूफ, एक हल या आ, हल या आ. सेंटेंस से पहले हल या आ इजाफा करने से वो सेंटेंस जुमले मुस्बिता से सवालिया जुमले में तब्दील होगा. फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंस इट विल कन्वर्ट इनटू द क्वेश्चन सेंटेंस. अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर हम इसको क्वेश्चन सेंटेंस में हम तब्दील करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका है. वो ये है कि हल लफ्ज से शुरू में हल का इजाफा करें. हल आना फिल मक्तबी. क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस हम बना रहे हैं, लिहाजा सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क जो दिया जाएगा. वी वॉन्ट टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस
in the question sentence in Arabic language, very easy, one word. Here we are increasing. Sentence से पहले हम एक आर इजाफा करने से वो पॉजिटिव से क्वेश्चन सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सिंपल जो है रूल्स है. सो लेट्स लर्न दोज हु वांट टू ट्रांसलेट द पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू द क्वेश्चन सेंटेंसेस. वेरी सम इंपॉर्टेंट वेरी सम बेसिक थिंग्स आर देयर. व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द पॉजिटिव सेंटेंस. हियर सपोज आई एम इन द ऑफिस. दिस इज द क्वेश्चन सेंटेंस. सो हाउ कैन वी ए पॉजिटिव सेंटेंस वी कैन कन्वर्ट इन टू द सेंटेंस बिकॉज हियर वी आर प्रैक्टिसिंग द बी फॉर्म सेंटेंसेज. सिंपली इन पॉजिटिव सेंटेंस फर्स्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब एम. फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट आई एम इन द ऑफिस. आई एम इन द ऑफिस. दिस इज ए पॉजिटिव सेंटेंस. सो वी वॉन्ट टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस इन टू द question sentence in English. So what do we do? We bring the first helping verb, then we bring the subject. So here is the helping verb is am, again are and is. So we want to convert the positive sentences into the question sentences. This is the English grammar. So what do we do? First we write the helping verb am, I, in the office. So let's translate Arabic sentences into the English sentences. Here I wrote some sentences. So first sentence is hal ana fil maktabi. Am I in the office? Hal nahnu fil maktab. Are we in the office? Hal anta fil maktab. Are you in the office? Hal antum fil maktab. Are you in the office? Hal hum fil maktab. Are they in the office? Hal huwa fil maktab. Is he in the office? Hal hiya fil maktab. Is she in the office? Hal huwa fil maktab. Is it in the office? Now let's translate Arabic into Urdu language. Hal ana fil maktab. Kya main office mein hoon? Hal nahnu fil maktab. क्या हम ऑफिस में हैं? हल अंता फिल मकतब. क्या आप ऑफिस में हो? हल अंतुम फिल मकतब. क्या तुम ऑफिस में हो? हल हुम फिल मकतब. क्या वो सब ऑफिस में हैं? हल हुआ फिल मकतब. क्या वो ऑफिस में है? हल हिया फिल मकतब. क्या वो ऑफिस में है? हल हुआ फिल मकतब. क्या वो ऑफिस में है? उर्दू जुबान में मुजक्कर आदमी के लिए वो कहेंगे और औरत के लिए भी हम वही कहेंगे, और अगर कोई चीज है उसके लिए भी हम उर्दू में वही कहेंगे. लेकिन अरबी में अगर मुजक्कर है तो हुआ, अगर वही फीमेल चीज है मुअन्नस है तो हिया, और अगर कोई थिंग्स है तो वहां पर अरबी के हिसाब से लफ्ज को देखते हुए अगर मुजक्कर लफ्ज है तो हम हुआ इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस होने की सूरत में हम हिया इस्तेमाल करेंगे. लेकिन इंग्लिश में अगर वो सिंगुलर मेल है तो हम ही यूज करेंगे, वही सिंगुलर फीमेल है तो शी यूज करेंगे,
मेल और फीमेल को छोड़कर कोई भी थिंग इंग्लिश के ग्रामर के लिहाज से कोई भी थिंग अगर सिंगुलर वन है तो उसके लिए हम इट जो है हम जो इस्तेमाल करेंगे। तो हियर वी लर्न हाउ टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू द क्वेश्चन सेंटेंसेस। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।